हेलो एवरीवन, मैं सशिया काल। सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। एंड गाइस, आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो होने वाली है, और वीडियो ना बहुत कमाल की होने वाली है। आज सही में बहुत कमाल की होने वाली है, बहुत अच्छा है। क्योंकि टॉपिक है योर अजान डिनाइज अवर लॉर्ड्स, सो आइदर चेंज इट और स्टॉप हिट। तो मेरे ख्याल से ये वो जो अंजना वाला शो है उस पर जो आते हैं डिबेट के लिए, उन्होंने कहा है कि जो आपकी अजान है वो मना करती है हमारे खुदाओं को ना, हिंदू खुदाओं को जो है वो मना करती है, या इसको चेंज कर दो या इसको बंद ही कर दो। भाई, और इसके ऊपर क्या रिप्लाई है डॉक्टर जाकिर नाइक जी का, वो हम सुनते हैं। कैसे फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, बहुत ही ज्यादा डिबेट वाली चीज होने वाली है। हमें बहुत बेस्ट आंसर मिलने वाला है, सही बात है, वो डेफिनेटली सभी को पता ही है। तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, और देखते हैं भाई क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, आप हमारे मन की बात है। अजान में क्या कहते हैं, अजान में क्या कहते हैं, अशदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशदम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है, घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब आप अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से, सही बात बोलिए ना, बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। और जैसे मैं कह रहा था कि अजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें, अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान अजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाक्य आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाक्य है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था, और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था, और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम है कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते, अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पर अकबर बादशाह कहां थे? जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आजान की मानी को जाने, ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आजान में हम 4 बार दोहराते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुभान व तआला के रसूल है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या लिस्सलाह, हय्या लिस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ, हय्या लिल्फलाह, हय्या लिल्फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आजान की मानी को जानेंगे फिर हमारे दिल पे आजान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर।
और आपके दिमाग पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में, कि जब आप जुमा की अजान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। अजान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना ज़रूरी है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। अजान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो अजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए, आवाज़ सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बम्बई शहर में जो मस्जिदों में अजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये अजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है, रेडियो माइक के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमीन की अजान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है, वो अजान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो अजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है, सब अजान नहीं अक्सर। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौजून को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए किस तरीके से अजान देनी चाहिए। क्योंकि अजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूँ कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूँ जो सिर्फ अजान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूँ अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज़्यादा पसंद दीदा चीज़ क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीज़ें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो अजान इतनी अच्छी है कि जब भी अजान सुनता हूँ मैं दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौजिन जो है इस शहर में उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही अजान देना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह ताहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ जाते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ए मूसा अपने पैरों में से जूतियां निकालो क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में सूरह ताहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारे जूतियां निकालते हैं। इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई मजहबी किताबों में भी, लिखा है बुक ऑफ एग्जोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में, खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से ड्रॉ नॉट नाय हिदर, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट फॉर द प्लेस वेयर दाउ स्टैंडेथ इज होली ग्राउंड। नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है, वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहां खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट फॉर द प्लेस वेयर द स्टैंडेथ इज होली ग्राउंड। आप अपने पैरों की जूतियां निकालो क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाजत दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहां जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूज डू। यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं, मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी का उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूज डिड। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, या अमर बिन शैब रदिल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि
उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के। मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक हैं, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं ज़रूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माईदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोहनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ढकनों तक धो। आपके जो है वो करें। इस आयत में जिक्र है वुदू का कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है, और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एग्जोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में कहा गया है क्या मूसा अलैह सलाम और हारून अलैह सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। मोसेस एंड एरन एंड द सन्स दे वॉश्ड द हैंड्स एंड फीट एंड दे एंटर्ड द टेंपल ऑफ कॉन्ग्रीगेशन एंड व्हेन दे केम क्लोज टू द अल्टर दे वॉश्ड देयर एट। मूसा अलैह सलाम और हारून अलैह सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेंपल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नजदीक आए, तो उनने अपने आप को धोए। सो गाइस ये थी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक जी की, और इसमें उसने क्वेश्चन था कि अजान आप पढ़ते हो तो आप अपने आप में पढ़ो, लाउड स्पीकर्स में ना पढ़ो, क्योंकि ये नाफरमानी होती है हमारे रिलीजियस की, नाफरमानी से हो रही है, तो वो चीज का उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद जिक्र ये था डॉक्टर जाकिर नाइक का कि उसमें उससे शांति मिलती है, इसमें ये सब सिखाया जाता है कि शांत रहो। ये चीज हमने बहुत बार देखी है कि बहुत किस्से भी सुने हैं हमने लोगों के कि हाँ। हमारे घर के आसपास अजान पढ़ी जा रही होती है और हमें रिलीफ मिलता है, लाइक्स मिलता है और हम जाके जो है मस्जिद में चले जाते हैं। अब एक औरत की जो हमने देखी, हम पहले उस सीरीज पे भी रिएक्शन कर रहे थे टुवर्ड्स इटर्निटी यूट्यूब चैनल है ना, तो उन्होंने जो कन्वर्ट करा इस्लाम, तो वो भी ये कहते थे कि हमारे पास में अजान पढ़ी जाती थी, तो हम सोचते कि है क्या, तो औरत कहती मैं मस्जिद गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लाम। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी यही चीज की कि बहुत लोगों ने अजान पढ़ जाती है जिससे बहुत आपको रिलैक्स फील होता है और लोग एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम को अजान की वजह से। सो गाइस ये थी वीडियो, और होप सबको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी और वीडियो बनाए तो जरूर कमेंट करके बताना गाइस। Thank you so much for watching the video. Till next time. Bye-bye.